कॉन्फ्रेंस आ ये जद्दियां म्युनिसिपल कमेटी दी चोणां होईयां ने उस तों बाद श्रोमणी अकाली दल की पहली जिहड़ी है प्रैस कॉन्फ्रेंस आ इहदी लोड़ तां पई आ भी बहुत बड़ा दुखांत दुनिया के वापरिया होया जिहड़े करोना वायरस के नाल चल रहा। कांग्रेस की जिहड़ी लंबे समय तो यही राजनीति रही है हुण इन्हां ने लिया के सारा कुछ ओकने करता। पिछे इन्हां ने जिहड़ा कोविड के दौरान आटा आया सीगा, चौल आए, छोले आए सी, चीनी आई सी, उन्हों स्टोर करके वोटां दे विच उहदा इस्तेमाल किया। हुण फिर सेंटर गौरमेंट वालों 5 किलो कणक हरेक जिहड़ा नीले धारक परिवार आ उहदे वास्ते दित्ती है, वह भी इन्हां ने रखी हुई है। हजे वह भी जद देणगे जद वोटां विधानसभा दीआं नेड़े आ जाणगीआं। ते जिहड़ियां किट्टां ने वह भी सेंटर सरकार वल्लों बणियां होईयां ने, वह किट्टां भी इन्हां ने जिन्ने आटा मिलां सी उन्हां नूं सारिआं नूं ऑर्डर देते, सारा कुछ करता, पर उन्हों हजे डिले कर रहे ने। लोग अज भुखे मर रहे ने, यह अपनी राजनीति कर रहे ने। नंबर दो गल जी, जिहड़ा टीकाकरण आ, टीकाकरण एक एकण होना चाहिदा भी कोई भी जिहड़ा बंदा सोशल आ वह कहे भी मैं टीकाकरण करवाउणा, अज मैं 50 टीके लवाउणे ने, 100 टीके लवाउणे ने, मैं उपराला करदा, उस बंदे नूं पहल दे के उत्थे टीकाकरण होना चाहिए। टीकाकरण दे विच बहुत वड्डी राजनीति हो रही है। जिहड़ा टीका पहला भी 45 साल तो उत्ते दी उम्र दे वास्ते उम्र दे व्यक्तियों वास्ते सीगा, उस वेले भी इन्हां ने बहुत वड्डी धांधली की है। तुसीं रिकॉर्ड कढ के देखो, उस वेले भी इन्हां ने फ्रंटलाइन वर्कर बना के कांग्रसियों नूं, अपने परिवारों नूं, अपने बच्चों नूं, अपने उन्हां दे टीके लवाए ने, जिहदा बहुत वड्डा मिसयूज होया। मैं शिकायत भी की SMO साहब नूं, असीं अखबार च खबर भी लवाई है कि साडे वार्ड दे विच चल रहा सी, उस भी पिक एंड चूज किया। जिहड़ा फ्रंटलाइन वर्कर सीगा उस नूं कोई टीका नहीं लवाया गया, जिहड़े अपने चहेते सी उन्हां नूं टीका लवाया गया। अज भी जिहड़ा टीकाकरण चल रहा, इह टीकाकरण तां 2 कैंपां नाल खन्ने दा, 1 लाख दे तों उत्ते दी आबादी आ, 1.5 लाख दी आबादी आ, एक टीकाकरण कैंप कितें उरे पूरा कर दूगा जी 2 टीकाकरण कैंप? उत्थे भी अज फ्रंटलाइन वर्करस नूं लग रहे ने जिहड़े 18 तों 44 साल दे, उत्थे भी इही धांधली चल रही है, जिन्हों उन्हां दे आके लीडर जिहड़े छोटे मोटे लीडर ने उह आके कहिंदे उहदे टीका लग जांदा, बाकियां नूं उत्थों मोड़िया जा रिहा। ये सारे कितें रौला, कल उत्थे भी कुड़ियां वाले स्कूल दे विच भी इही रौला रहा, सारे कितें रोज़ रौला पै रहा। मैं ये चाहुंदा भी सरकार जिन्नी हरेक गल ते गुंडागर्दी ते राजनीतिक लाहे लैण नूं, बीमारियां तों लाहे लैण नूं, होर लैण नूं जिहड़ा कोई चल रहा, यह समाज वास्ते बहुत माड़ी गल। झूठ हुंदा, झूठ राजनीतिक पार्टियां बोलदियां ने, पर इन्हां ने तां झूठ दी हद चकती। राजा साहब ये कह के आए सी मैं भ्रिष्टाचार नूं जड़ों खत्म कर दूंगा, कि हुण अन्ने ने कचहरियां दे विच तहसीलदार सारा दिन लुट रहा, म्युनिसिपैलिटी दे विच सारा दिन लुट हो रही आ, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट सारा दिन लुट रहा, राशन डिपुआं दे उत्ते किड्डी वड्डी राजनीति हो रही है, उहदे विच सारा कुछ फूड सप्लाई वाले खाई जांदे ने लोकां दा आया, कोई किसे ते कोई कोई इहने 5 साल दे विच जिन्ना इहने सिस्टम नूं कलैप्स कीता। मैं कहना अज तां 65-70 साल दे जिहड़ा हिंदुस्तान च आजादी दा जिहड़ा माहौल लंघिया, एड्डी वड्डी राजनीतिक शह दे के एड्डे वड्डे माड़े काम कदे नहीं होए। हुण म्युनिसिपल कमेटी दे विच जिहड़े नवें प्रधान जी बणे ने, उहनां ने मीटिंग कीती है ठेकेदारां नाल भी जिथे भी कोई काम तुसीं चालू करना, साडा हारिया होया कौंसलर ते जितया होया कौंसलर उहनूं नाल लै के देना, जिहड़े दूजियां पार्टियां दे जितते ने कौंसलर जिन्हां नूं लोकां ने फतवा दे के भेजिया, उत्थे कोई काम नहीं करना तुसीं उहनां दे कहे। अज साडी मीटिंग कौंसलर साहिबान साडे 6 जितते ने उहनां नाल चल रही सी, इहनां दे कोई काम नहीं कीते जा रहे। मैं चेतावनी दिंदा अफसर साहिबानां नूं, ठेकेदार साहिबानां नूं, ठेके दिंदा भी इहदा आखिरी दिन आए हुए ने सरकार दे, तुसीं टेंडर भी लैणे ने, साइड चेंज कर करके काम कर रहे हो, उहदे बिल तां जाके दूजी सरकार दे विच बणने ने, असीं शिकायतां शुरू करनियां ने, RTIAं मंगणियां ने, पर उहदा जिहड़ा निपटारा 7-8 महीने बाद जाके होणा, जानू सरकार बदल जाणी आ, इस MLA दी नहीं चलणी, इस प्रधान दी नहीं चलणी, दुध दा दुध असीं पाणी दा पाणी करके हटणा। फूड सप्लाई वालिआं ने जिहड़े नीले कार्ड बणाए ने, मेरे कोल रिकॉर्ड आ, फूड जिहड़ा नीला कार्ड, उह नीला कार्ड धारक बंदा बण सकदा जिहदी 40,000 तों आमदन थल्ले आ सलाना। इन्हां ने नीले कार्ड पिछले साल दे विच थोक दे विच बनाए ने, जिन्हां नूं लोड़ सी उह लोकां दे उरे सिगली घर बरादरी आ, उहनां दे कार्ड तां बणे नहीं, जिहड़े लोक झुग्गियां दे विच रहिंदे ने, इन्हां ने कार्ड उहनां दे बणाए ने। मेरे कोल 100 बंदे दी इहो जिही दी लिस्ट आ जिहड़ा इनकम टैक्स 5-5 लाख दी रिटर्न भरदा, इहनां नूं भज्जण नूं थौं नहीं मिलणा। मैं अज तों अपने हथियार चक ले, असीं RTIAं अज तों बाद मंगांगे
फूड सप्लाईमेंट सप्लाई महकमा जिहड़ा एक करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा, म्यूनसिपल कमेटी करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा, कचहरी बहुत बड़ी बहुत बड़ा अड्डा। आ देखो हुण तुहानूं दस्सिया अमलोह रोड ते गुंडागर्दी की हद हो गई। जिहड़े बंदे ने शिकायत की उहदे दरां दे मूहरों इट्टां ही पट के लै गए। एदों वड्डा मैं कहना दुखांत हो सकता कोई? शिकायत करना साडा फंडामेंटल राइट आ। ये तो मतलब तो दबा रहे ने किसी मंत्री ने कोई बगावती सुर दिखाए ने उहदे ते उत्ते विजिलेंस इनकुआरी, जे किसी एम एल ए ने दिखाए ने उहनूं धमकियां दे रहा ओ एस डी मुख्यमंत्री दा। इत्थे बहुत वड्डा बिहार वाला सिस्टम हो रहा, ये पंजाब दे लोग बर्दाश्त नहीं करनगे। मैं अफसर साहबाना नूं पुलिस अफसर साहबाना नूं सारयां नूं बेनती करदा भी तुसीं साढ़े चार साल बड़िया मन मर्जियां इहनां दे कहते कर लिया, हुण अपनी सोच ना चलो। अगे आने वाला समा थोड़े लिए बहुत माड़ा आ रहा, इसलिए हुण तो थोड़े बहुते काम चंगे करन लग जाओ तां जो अगे जिहड़ा समा थोड़े वास्ते भी कुछ सौखा आ जाए, लोगों का भी कुछ भला हो जाए। ये जिहड़ी मैं कहना परमात्मा करे भी महा जिहड़ी आ बीमारी चली है बहुत जल्द ठीक हो जाए, पर जे सरकार दे गोचरे रहे तां लोगों नूं सारयां नूं मारना चाहुंदे ने, सिर्फ कांग्रसियां नूं बचाउणा चाहुंदे ने भी होर कोई बंदा ना उरे वोट पाउण वाला रहे ना तुहानूं कोई भजाउण वाला रहे। मैं सारे डॉक्टर साहबानां नूं भी सिविल हॉस्पिटल का हाल देख लो तुसीं, कोई उरे मरीज जांदा रैफर सेंटर है, कोई पटियाले नूं भेज देंदे ने, किसे नूं लुधियाणे नूं भेज देंदे, किसे नूं चंडीगढ़ नूं भेज देंदे ने। करोड़ां रुपया ला के उरे ट्रॉमा सेंटर बनिया वो नहीं चल रहा, करोड़ां रुपया बना के हुण नवीं बिल्डिंग बनी आ उहदे विच कोई वो नहीं है, सिर्फ रैफर सेंटर आ, ना उहनूं कोई देखदा, अपना महीना लैंदे ने लीडर ला लै के अपना घर बह जाते हैं। किसे लोकां दा किसे ने इन्हां ने सुधार नहीं करना। मेरी लोगों भी बेनती है भी समझ के वोटां पाओ, जिहड़ा बंदा थोड़े काम आ सकदा उस बंदे नूं तुसीं नाल लैके चलो। ये जिहड़ी चमक दमक है थोड़े दिनों की आ, ये चमक दमक खत्म हो जानी आ, पर लोग सियाने ने खन्ने का जिहड़ा आवाम आ मन बनाई बैठा इन्हां नूं तोड़न वास्ते। पर मैं अफसर साहबानां नूं ये बेनती करदा भी तुसीं कितें अपना जिहड़ा कैरियर आ उहनूं खराब ना करो। मैं वार्ड नंबर 8 तो श्रोमणी अकाली दल का कौंसलर हाँ, चौथी बार लगातार जित के आए हैं। मेरे नाल रोशा जी ने उन्हां दी मिसेज कौंसलर है, लगातार दूजी बार जित के आए हैं, जिन्हां ने नगर कौंसल के प्रधान नूं हराया। साढ़े नाल असी बड़े बड़े चेहरे हराए ने, उहदे नाल साढ़े नाल बहुत बड़ा धक्का हो रहा है। एक साल तो साढ़े वार्डां दे विच गंदा पानी आ रहा है, साड़ी मोटर खराब हुई नूं उहदा बोर खराब हुई नूं एक साल हो गया। कोई भी असी घट्टो घट्ट 15-20 शिकायतां लिख के दित्तियां, उहदियां लैटरां पाईयां ने, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्ना क पानी गंदा आ रहा है, उहदे विच मैं कह दिंदा भी लोकां ने कई बार तां इह वी गल चक्की है भी जिहड़े करोना दे मरीज वध रहे ने उह गंदा पानी आ रहा है, इहो जिहियां गल्लां। पर कमेटी सुत्ती पई है, ईओ सुत्ता पिया, जिहड़े अधिकारी ने सारे सुत्ते पए ने, सिर्फ उहनां नूं इक्को इक गल है भी असीं अपने पैसे किवें लैणे आ, टेंडर लाने ने, कमिशन लैनिया ने, बिल बना देने ने, ठेकेदारी सिस्टम है उहदे विच वड्डा घपला हो रहा है, नीले कार्डां दे विच वड्डा घपला होया। साढ़े सीनियर लीडर बोले ने दोने बहुत वधिया गल्लां उन्होंने कही ने, जो शहर दे विच हालात बने हुए ने वो ये हालात ने। मैं तुहानू एक वड्डी गल कह देनी चाहुंदा बई, बादल साहब ने एक बहुत वड्डी स्कीम लियांदी सी आटा दाल की, उन्होंने जब आटा दाल की स्कीम लियांदी उस तों बाद देखो पहला उन्होंने बिजली के बिल माफ़ किए जट्टां दे, उस तों बाद हरिजन भरावां लई उन्होंने स्कीम बनाई भी हर एक हरिजन भराव जो कुड़ी का विआह होगा उन्हूं 21,000 रुपये शगन स्कीम दित्ती जाऊगी। तुसीं ये देख लो जद्दी ये सरकार बनी है, मैं अपने वार्ड ते साढ़े 6-7 अज कौंसलर बैठे ने, किसी दे भी शगन स्कीम के पैसे नहीं आते। जिहड़ियां पेंशनां लगातार साल तो असीं दित्तियां होईयां ने लवाउण लई वह भी नहीं लगियां हले तक, लोग तरह तरह कर रहे ने। शगन स्कीम बारे मैं कहना चाहुंदा भी एड्डी वड्डी लुट्ट है भी एम एल ए अपने 74 वार्डां दे विच तां शगन स्कीम दे रहा है, जिहड़े आम वार्ड ने 15-16 उहनां दे विच कोई शगन स्कीम नहीं दित्ती जा रही। मैं एम एल ए साहब नूं पुछना चाहुंदा भी क्या जिहड़े साडे वार्ड ने तुहाडे उत्थे कांग्रसी कौंसल बंदे नहीं रहिंदे हैगे? जिहड़ी साडे बीमारी पई हुई है, इन्ना गंदा पानी आ रहा है, उत्थे कोई कांग्रसी वर्कर नहीं रहिंदे हैगे? इहनां नूं शर्म आउणी चाहीदी है। मैं अधिकारियों नूं भी इह गल कहनी चाहुंदा भी समा 5-6 महीने का रह गया, बाज आ जाओ, जिहड़ियां चंगीआं गल्लां ने उन्हां नूं चंगे कम करो। इन्ना ही मैं एक बेनती करदा, यही कहना एस डी एम साहब नूं भी बेनती करदा, ईओ साहब नूं भी, तो एस एम ओ साहब नूं भी, जो करोना की बीमारी छिड़ी हुई है
ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ।